मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब समझिए कि अब अपने अपने कुर्सिन पर हर हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन में जीते के बाद जिम्मेदार अब विराजमान है। हालांकि वो विराजमान व्यक्ति जो हैं जे जनप्रतिनिधियाँ ही उनका अपने अधिकार खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे के पड़ा थी, लड़ाई करे के पड़ा थी, जबकि यह व्यवस्था के एक अहम हिस्सा ही पंचायती राज व्यवस्था के। सरकार समय समय में यह बात जरूर करती है कि हम इनका बेहतरी कह रहे हैं, कहे कि अभी बीते दिन देखबे बहन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक सरपंचन के बड़ी सभा बुलाई गए और वो वहाँ मानदेय का वृद्धि कीन गए, लेकिन आज के वह मानदेय की वृद्धि शायद 4,050 रुपया उतना ना हो कि एक व्यक्ति जो है अपन जीवन यापन उतने में कह सके। लेकिन आज जो है एक संगठन है विंध्यमा जन अधिकार पंचायती राज संगठन, पंचायत राज संगठन, यह संगठन के बैनर तले, हालांकि यह अभी संगठन ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, एक कमेटी के द्वारा जो है एमा जो जनप्रतिनिधि हैं आपस में जुड़े थे और अपने अपने अधिकारन के बात कलई के समय समय पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। ता आज वह संगठन के प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और जौने माँ यह संगठन एक बड़ा उद्देश्य लई के या जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है एका सुदृढ़ करे खातिर अपन बात कही रहा है। तो आज हमारे साथ जो है यह पूरे संगठन के सदस्य हैं और ओमा पदाधिकारी हैं और प्रमुख रूप से आज यह रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जौने माँ विकास तिवारी जे गंगेव के जनपद अध्यक्ष हैं उ या पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन बात रखे हैं। तो हमारे साथ है, पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है कि कम से कम वह वर्ग खातिर अपना बात कह रहे हैं जो ने वर्ग के अधिकार छीन लेन गए। हालांकि अब चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे शायद अपना बच्चे ज़्यादा जोर लगाए रहे, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव नज़दीक होना या दूर होना इस विषय का उद्देश्य नहीं है। पूर्व में भी मांगे उठी हैं, सरकार तक संगठनों के माध्यम से पंचायत राज की बातें गई हैं। हम बघेलिन में बोली, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो पूर्व माँ जो संगठन बने रहे उनके माध्यम से सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यन के बात सरकार तक पहुँचावे के संगठन प्रयास करत रहे। अब संयोग ऐसा ना भा है कि चुनाव नज़दीक आए हैं, हमारों पचिन के चुनाव अभिने भी हैं 3-4 महीना पहले, तो एक संयोग बस हमहूँ पचे अपन बात सरकार तक पहुँचावे के प्रयास कर रहे हैं। जो उन्हें उद्देश्य, जो ने विश्वास से जनता हमका चुनी सी ओके पूर्ति करे खातिर अगर हमका अधिकार नहीं मिला तो वो जनता के विश्वास में हम खड़े नहीं उतर सके। ऐसे हम चाहित हैं कि हमा पचिन की जो मांग है यह सरकार माने तो जो ने हम पचे जनता के हित कह सकी, जनता के सहयोग में, जनता के दुखे सुखे में खड़े हो सकी। एकर मूल उद्देश्य जनता के हित करे, जनता के हित। चलिए, तो कुल मिला के एक बड़ी बात कि जनता के हित करे खातिर अपना राजनीति में आए, एक जनप्रतिनिधि बने, अब अपना का यह संकट सताए रहा है, पहले नहीं जाना रहे चुनाव लड़े से, पहले की हमें हाल है? नहीं, चुनाव लड़े के पहले यह जानत रहन कि हमका चुनाव लड़े के है, जनता के सेवा करे के है। अब जनता के सेवा में सरकार जो योजना बनाई सी या हमारे खातिर जो सरकार दे तो ओके बढ़ोतरी खातिर प्रयास करब तो हमारे पचन के काम आए। मान ली जानत रहन कि हमारे अधिकार कम है तो अधिकार का बढ़वाऊ जनप्रतिनिधि बने के बाद ही मांगा, तो ये स्थिति में हम सरकार से अपन बात मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, यह बात हम आप पूछब ऐसे जरूरी रहा कि हर अधिकारन का सीधे कार्ड कटौती कह दीन गई, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अधिकार दीन गए रहे हैं वास्तविक माँ वह अधिकार चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तो ये सब एक जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, इन दोनों सदनन के जो ग्राम पंचायत के बेहतरी के तिर काम कर रहे थे, तब सबसे बड़ी बात यह कि इनके अधिकार का सीधे छीन लीन गए, एज अ डमी बैठाए दिन गए है, ये वजह से शायद एक ऐसा, यह बताइए सबसे बड़ी मूल कड़ी अपना पचया है जनपद हो जिला हो, कहे कि योजना के क्रियान्वयन सबसे बड़ा एक अधिकार है। अब अपना जो है ये कह रहे हैं कि हम आप जन के तनख्वाह बढ़ाए दी जाए, हमको आप जन का विधायक से जो है स्वेच्छा अनुदान दे के अनुमति दी जाए, निधि दी जाए, मतलब इतना सब कुछ का लागत है, पूर हो ही पाई? देखिए कि सिर्फ मांग तक सीमित रहे, सबसे आशा में विश्वास है जी, हमका ये आशा है कि हम जो कर्तव्य करी थे वो हमका फल मिला था, पढ़ी थे अंतर रिजल्ट आवत है जी। तो हम बचे अपने संगठन के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं
कि हमार जो उन अधिकार उनमें बढ़ोतरी हो, तो हम अपन मांग रखे रहें पूर करब ना करब तो सरकार के काम है। आ यह विश्वास है कि हमार बात अगर सरकार तक जाई तो सरकार हमार बात मानी, इसकी वह सरकारों के हित में है जनताओं के हित में है। नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी बड़ा सम्मेलन करें, सरपंचन का बुलाइन, अध्यक्षन का नहीं बुलाइन, सदस्यन का नहीं बुलाइन, तो यह समझ में नहीं आवे कि मतलब अपना पचन का दरकिनार कीन जाए लागे। कहे कि यदि सम्मेलन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के है तो वह व्यवस्था के अहम कड़ी तो अपना पचे हैं। नहीं देखिए, उमा सिर्फ सरपंचय भर का बुलाइन तो दन किरार अध्यक्ष भर का नहीं कीनगा, उमा पंचों को नहीं बुलाइन जो कि प्रदेश में कम से कम 2.5 लाख पंच है, 2,32,320 की संख्या है लगभग, और जनपद सदस्य 313, जनपद अध्यक्ष 313 हैं, जनपद सदस्य यहाँ लगभग 25,000, जिला पंचायत सदस्य 14,000। तो यह स्थिति अब बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ पंचायत राज के जेखा नहीं बुलावेगा, तो हो सका थे मुख्यमंत्री जी आगे बुलामा अब नियर आया अब चुनाव तब बुलावे। अब यह तो उनकर का सोच ही या प्रश्न अपना पच कालियावल ना उनसे करी कि कब बुलाओ। निश्चित तौर पर अपना कहीं लागे कि मतलब हम पचन का नहीं बुलावेगा, अब ठीक है बुलावा जी आसान भी था अपना आशा में विश्वास। हमारा मूल उद्देश्य है कि यह जो मांग पत्र अपना पचन का सौंपन है या मांग हमारा पचन के पूरे प्रमुख बात या मांग पत्र के बारे में अपना बता दी। हालांकि हम कहा कि हमारा सहयोगी या मांग पत्र का तो करीब आके दिखाए दें जो उन्हें सारी बात स्पष्ट तौर से उल्लेख है। हालांकि हम अब अध्यक्षों महोदय से कोशिश करब कि प्रमुख बात अपना पचन का अपने द्वारा बतावे, और सबसे बड़ी बात कि अब यह बताइए कि प्रमुख मांग का है। हमार प्रमुख मांग यह है कि सरपंचन के अधिकार में यह बढ़ोतरी की जाए, जो मानदेय है जी और स्वेच्छा अनुदान, मरम्मत के अधिकार। अब जैसा हमारे गांव में ग्रेवल सड़क बनी है, 5 बरस पहले बनी, बरसात में ग्रेवल सड़क में मुरुम्बई जाती, PWD का अधिकार है कि ओखर मरम्मत कराए ले, RES का अधिकार है कि ओखर मरम्मत कराए दे। हमहू जनप्रतिनिधि होय के नाते हमहू का ये अधिकार मिले चाहिए एक सरपंच के हैसियत से कि हम अपने पंचायत में अगर कहाँ रोड खराब तो 1 लाख 2 लाख के मुरुम डराए दी, दूसर कौनो व्यक्ति के मृत्यु हो गया ओके परिवार में अगर क्यों सदस्य नहीं आए तो ओखर 2-4 हज़ार के मदद कह दी, तो स्वेच्छा अनुदान की व्यवस्था की जाए, हमारे भत्ता में बढ़ोतरी की जाए, हमका आवे जाए के किराया, जैसे ऑफिस में अगर सरपंच कहाँ जात हम तो उनका ये चाहिए कि भाई उनका किराया लागी, जनता के समस्या का लेके रीवा जाई हैं या कमिश्नरी जाई हैं, फोटो कापी कराई हैं, तो उन सब चीज़न में स्टेशनरी भत्ता अन्य बहुत सारे खर्च होते, तो उनके मानदेय में 42,000 रुपया एक मजदूरों को नहीं मिले, जो मजदूर मजदूरी करत है ओहू का मनरेगा सरकार में 204 रुपया दे, सरपंच के 4250 दे। अब बढ़ोतरी के बाद तो यह मांगी कि 15,000 करे, जनपद सदस्यों की यह स्थिति है उन्हों के बढ़ोतरी करे, उन्हों के मानदेय बढ़ावे, उन्हों के स्वेच्छा अनुदान बढ़ावे, उन्हों का अधिकार दे, ग्राम सभा में जाए माँ, ग्राम सभा नेतृत्व करे माँ, ये सारी बहुत सारी ऐसा मांग है जो पंचन का दे, पंचन के मानदेय बढ़ावे, जिला पंचायत सदस्यन के मानदेय बढ़ावे और सब अधिकार दें, स्वेच्छा अनुदान दें, और पंचायत का एवं जनपद का, जनपद अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार दें, जौने अधिकारन के साथ तहत लोगन के सेवा में जो वहाँ अधीन कर्मचारी हैं उनमें अंकुश लगावा जा सके और विकास के गति का सतत बढ़ावा जा सके, यह कोशिश ही हमारा पचन। चलिए, तो एक बड़ी लंबी मांग है और यह मांग पर अमल सरकार का करे है कि कितनी मांग जायज ही और कितने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तो यह भविष्य के गर्त में यह सवाल के जवाब है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मांग तो रहे हैं, अब झोरी तरह फाट डरी है भीख न देही तो ऐसे तरह। बिल्कुल, देखिए झोरी फाड़े के बाद एम नहीं आए अपना बघेली माँ कहावत आए कि मतलब कि भीख न देहित का झोरी फट डरही, मांगे का तो अपना सब लिख दी है, हम बचे 75,000 मांग रहे हैं, अपन अधिकार मांग रहे हैं, और मांगब कई उमेर के होते हैं, भिक्षा मांगब, अधिकार मांगब, तो अधिकार मांगब हमारा कर्तव्य है, मानव सरकार के काम आए, आज जब सरकार ना मानी तो हूँ मैं एक रणनीति बनाऊँ वो कितने काम करब। नहीं, वह रणनीति पर हम आवे चाह रहे हैं कि आखिर यह सब ठीक है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है शासन तक यह सारी जानकारी पहले से ही कि एक अध्यक्ष के कितना मानदेय हो चाहिए, कितना का हो चाहिए, वह व्यवस्था पहले काहे की संचालित रही, अब वह व्यवस्था का थोका
दरकिनार की इनका वो अधिकार इनका छीने के प्रयास की इनका जो पहले व्यवस्था रही वो कचीन लीट गए। अब अपना पचे मान ली सरकार अपना के बात नहीं माने विधानसभा चुनावन में का यह असर देखी देखी लागत पहले तो अब हम बचे यह प्रयास में है कि सरकार हमारा बात मान ले भाई पूर्व संगठन रखी नहीं यह बात उनकर कार्यकाल खत्म हो गया अब हमारा बचे नए प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं तो अब पहल उद्देश्य सरकार हमार बात माने सरकार तक हमारा बात पहुँचे तो आप सरकार तक हम अपन बात पहुँचा ली अगर सरकार हमारा बात न मानी तो निश्चित रूप से बहुत सारे लाखन के संख्या में हम जनप्रतिनिधि हैं हम बचे अपने अपने छोट क्षेत्र के नेतृत्व करीत हैं जनता चुन के भेजी सी तो निश्चित रूप से जो ने पक्ष कई गिरा तो खा दबाऊ और जो ने पक्ष कई उठाओ तो खा मजबूत करब मतलब धमकी उदय रहनी है अब एका अपना कौने रूप में ले चाहे थे नहीं अपना तय करब हम तो सिर्फ कौने रूप में ले चाहते हम तो तय करे वाले हो बे न करे नहीं तो जेका अपना ये बताए हाँ। रहें तो वो कुल मिला के एक यह स्वाभाविक बात है कि अपना जेखा मत दे वो जीती जी अपना के मतलब प्रश्न असर पड़ी विधानसभा चुनाव असर पड़ी भाई हम बचे लाखन के संख्या में जनप्रतिनिधि हैं अगर हम आप बात न मानी जाए कर डेडलाइन का रखे हैं कब तक या 14 तारीख का शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का माननीय श्री गिरीश गौतम जी का हम बचे एक ज्ञापन दे रहे हैं उनका बुलायन है कि हम आप बात हूँ सरकार में पहुँचामा और 19 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र चालू है वही बीच में वो हम वहाँ पचन के बाद मुख्यमंत्री जी के बीच तक पहुँचामा हम आप पचन के बात मनवावे के प्रयास करा अगर ओके बात हमार बात नहीं मानी जाए या सरकार से हमका पचन का कोनो मजबूत आश्वासन नहीं मिले तो निश्चित रूप से हम बचे एका बृहद रूप से और चर्चा कई के संगठन के साथ बैठ के कुछ न कुछ निर्णय ले या अपना के संगठन जो है एम कहाँ कहाँ के सदस्य है जन अधिकार पंचायत तारीख का हम अपना का आमंत्रित करी ला शिव मंडप मैरिज गार्डन में अपना वही नहीं तो यह केवल विंध्य में सक्रिय है या पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है मध्य प्रदेश के जबलपुर महाकौशल से मालवा से बुंदेलखंड से हर जगह से 14 तारीख का जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य साथी और कुछ सरपंच साथी इनका बुलावागा बहुत बृहद रूप में ऐसे रीवा नहीं बुलावागा कि सबका भोपाल बुलावे है तब सबके किराया भाड़ा लागी खर्चा लागी थी अभा की प्रतिनिधि भोपाल कहे का भोपाल हम बचे मुख्यमंत्री तक स्पीकर साहब जी के माध्यम से मध्य प्रदेश विधानसभा जी के अध्यक्ष के माध्यम से उनसे मिले के तारीख और समय निश्चित कह के और अपन मांग उन तक पहुँचावे के प्रयास करेगा। चलिए तो अपना सुनर रहन अभी विकास तिवारी जे गंगेव के जनपद के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह पंचायती राज संगठन माँ अपन बड़ी बात कही गए उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि हम पचे जो है एक जायज मांग मांग रहे हैं सरकार से सरकार यदि अमल करा थी तो बेहतर है नहीं 2023 एक बड़ा चुनाव है कांग्रेस खातिर एक बड़ा मौका है कि असंतुष्ट लोगन का संतुष्ट के करे के वादा कही सका थी और भाजपा के लगे एक बड़ा मतलब मुसीबत के समय यह है कि ओकर ताज ओके लगे बरकरार है अपना शुभ नाम का है थो थो शब्दन में अपन अपन बात अपना बचे चलिए हमारा शुभ नाम है अवधेश प्रसाद तिवारी हैं जी। हम पूर्व में जनपद सदस्य रहें वर्तमान में हमारे श्रीमती जी ग्राम पंचायत सूरा जनपद पंचायत गंगेव के सरपंच हैं क्या चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत के संगठन बनावे के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं निश्चित रूप से पंचायत राज अधिनियम के तहत जो अधिकार जो सम्मान एक्ट के में दिया गया है उस तरीके से आज के डेट पर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि खासकर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत को नहीं मिला हुआ है जिसके वजह से हमारा एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। धन्यवाद इसी उद्देश्य से एक सेकंड इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि में हमारा सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच जनपद में जनपद सदस्य और जनपद के उपाध्यक्ष अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष सब लोग मिलकर के हम लोग अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनता को और ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से जो एक्ट में प्रावधान दिया गया उसके तहत हम अपनी मांग मंगाते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर लोगों को सहयोग से ये चाहते हैं कि हमारी बात शीर्ष तक पहुँचाई जाए और उसमें निश्चित रूप से उसका अमल किया जाए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारी जनता बसती है गांव में बसती है आवश्यकता गांव की जनता की होती है तकलीफ गांव में है उसको केवल हमारी त्रिस्तरीय पंचायत का चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही झेलता है। जब हम लोग क्षमा करब का है वक्त के अपन एक
वह है, मर्यादा है, ऐसे हम अपना के ज़्यादा समय दे चाह रहे हैं, मगर का शुभ नाम है? शिवेंद्र तिवारी नाम है, जनपद पंचायत गंगेव के हमारे धर्म पत्नी जो हैं तो सदस्य हैं वार्ड नंबर 8 से, और सभापति हैं स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के। हमार कहा भी यह है, अपना कहा है, हम प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, हाँ जी ठीक है। हमार कहा भी यह है कि निश्चित तौर पर जनता हमका भजन का जो चुन के भेजी सिवे तो बहुत सारी उम्मीद जनता के हमसे भजन से लगी है, और उम्मीद का पूरा करे के लाने अधिकारन की आवश्यकता है, वह अधिकार जो हो चाहिए वह अधिकार अब हमारे भजन के पास नहीं आए कि हम उनके उम्मीदन का पूरा लागत है। यह संगठन के माध्यम से अधिकारन की प्राप्ति हुई, ये संगठन के माध्यम से हम पंचे चाहिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात, माननीय अध्यक्ष नहीं, क्या लागत है उनका मालूम नहीं है ये बात? नहीं, निश्चित तौर पर उनका ये बात, अपना पहल संगठन है जो ये बात रखी रहे हैं, नहीं हो सका थे कि पहले जो संगठन रहे वो काम करें, और हम उम्र और आगे बढ़ के हम पंचे काम करे चाहिए थे। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर में यह कहा जाता है कि भाई हम प्रयास शुरू पहले रहा, मगर अब वह प्रयास का आगे बढ़ावत किन, यह प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस रही हो या संगठन फिर से हुआ अपने मांग का बुलंद कर चाहते, क्या शुभ नाम है? हमारा नाम है राम निवास गौतम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अकौरी जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा मध्य प्रदेश। का अपना वचन के उद्देश्य है या संगठन के का मांग अपना का लागत है कि कुछ अलग जे और लोग बोली उनसे का अलग बात? हम लोग पिछले कार्यकाल में पंचायती राज प्रतिनिधियन की लड़ाई लड़न पाँच छः साल, तो ओमा कौनो हमका पाँच का सफलता नहीं मिली, सरकार बदलव भव्यपूर्ण बन गया कौनो तरह से, तो माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियन के लड़ाई लड़े का अपन बीड़ा उठाएं, तो हमहूँ का लाग के भाई पिछले कार्यकाल में हम लोगों का अधिकार नहीं मिल पावा, चुनाव दूसर होएगा, तो अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय राज के जे हुभे हाँ भाई, तो अगर इन्हों का अधिकार मिल जात है तो हमका प्रसन्नता हुई कि हम लोग लड़ाई अपने कार्यकाल में नहीं जीत पाएँ, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनका अगर माननीय विकास तिवारी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी अधिकार दे दे था, तो यह हम लोगों का खुशी हुई कि हमार भाई मान ली नहीं देता ही, कह देते कि न देवता फेंका हो, अगर अधिकार नहीं देता ही ना ही कह देता तो जौन हमार संगठन निर्णय ले तो हम इनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ाई में शामिल हैं। धन्यवाद है। और कहा थे ना संघ शक्ति कलयुगे, मतलब संगठन में शक्ति होती है कलयुग में, एक आधार बतावा गया है कि संगठन है सबसे महत्वपूर्ण। तो अब हमारे साथ का शुभ नाम? कुंज बिहारी तिवारी जी। कैसा गुस्सा ना सर? नहीं गुस्सा नहीं है, एकदम ऐसा प्रकृति से मिला है अभी का जो ने बोले। जी जी चलिए, यह हम जाने चाहिए थे कि यह एक संगठन बन रहा है, संगठन में बड़ी बड़ी मांग है, क्या लागत है कि पूर्व हो सकत है? ये देश वह आए कि जहाँ अंग्रेज आए रहे तो वहाँ जब प्रयास किएगा कि भाग जहाँ, और देश आज़ाद भा अंग्रेजन से, जौन हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकर जौन जिम्मेवारी है तब ज़्यादा है, बाकी सांसद विधायकन का गाड़ी घोड़ा ये सब मिलत है, बहुत हवाई जहाज नो खर्चा कर बिजली, लेकिन जमीन में गांव में जो रहा था वहाँ रोज खड़े रहा था, रीवा कम आवा था, ये पूर्व क्षेत्र गाँव में बसत है, तो जौन मांग रखी गां जायज रखी गां इनका मिला ही चाहिए, और जहिया मन से जौन काम करे तो होते पूर भरोसा है कि मिली, और ना मिली तो जब आदमी चुनाव लड़ते तो एक आशा रखते कि जीतब और जीतत है, तो लड़ाई जब तो जीते है, कई संगठन जो मांग रखल रहा है ले के खातिर रखल रहा है, कौनों मेरे से दबाव का नहीं, केवल ले का। चलिए तो कुल मिलाकर क्या लागत है चुनाव में असर पड़ी 2023 के चुनाव से पहले अपना पक्ष ये मांग उठाए हैं, यदि मांग में विचार किए जाते हैं या फिर चुनाव से पहले मांगन का पूरा नहीं किए जाए तो असर पड़ी कि ना पड़ी? खूब पड़ी, अब जनता के जाए के बताऊँ कि ये अपने अधिकार का अपन पेमेंट भत्ता वहाँ जाए के बनाए ले था, लेकिन हमारे कैबिनेट में ऐसा कौन ताकतवर नहीं है कि हम वहाँ अपन जनता के हित के खातिर प्रस्ताव पारित कर ले। एक बात, अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहन कहन सरकारी अधिकारी से अपना बड़ा आहत है जी, ऐसा हमका लाग वह का मसला है, वह पूरी बात बताए। नई गढ़ी जनपद अपना पचन का कौनों माध्यम से पता ही चलत हुई, लगभग हर जगह है, कुछ लोग मुखर होकर बोला था कुछ नहीं बोलते लाग, जौन अधिकार चाहिए अधिनियम में जौन है वो अधिकारन के पालन नहीं हो लाग। नई गढ़ी के रिश्ते अपना देखते ही लाहन,
के चाहे सरकारी पैसा हो अपना का एक दिन जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा पुलिंदा दीन जाइ कि कौने तरह से सीओ सरकारी पैसा का जौन विकास के पैसा हाँ 7 लाख रुपया चुनाव में जबकि वो कार्य योजना में रहा विकास के रू कैसा जौन लोग लिख के दे रहा कि हम कौनों मेर से ना नई गढ़ी जनपद में क्रय नियम ना फाइनेंशियल पावर ना धारा 65 यहाँ तक के जनपद के निर्वाचित जनपद अध्यक्ष का जौन कर्मचारी हैं जनपद कार्यकारी जनपद है सीओ प्रभारी हैं वो बीडीओ हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि अध्यक्ष माने कुछ नहीं तो लगभग और जगह यह स्थित हुई जे ऐसे कर्मचारी के अधीन हो जाओ काम कर पावा और जे ये चाह के जनता के हित के बात हो वो नहीं कह पाते लाभ क्या लागत है यह सरकारी व्यवस्था अपना पचन से ऊपर ही या फिर नीचे ही अब कहूँ ना कहूँ बड़ा संरक्षण है नहीं तो अगर पंचायत राज अधिनियम में जौन चीज़ लिखी हाँ या तो वो अधिनियम सही है कानून सही है संविधान सही है नहीं ताना सही है चलिए तो कुल मिला के एक यह बड़ी बात है जो कुंज बिहारी जी बोल रहे हैं अपना के धर्म पत्नी जो है नई गढ़ी जनपद के अध्यक्ष हैं तो वो अपना के साथ ऐसा कुछ वाकया भा है कि अपना कह रहे हैं कि यह हमारे साथ भर नहीं लगभग लगभग हर पंचायतन में जनपदन में यह में स्थिति निर्मित थी जो सबसे बड़ा मतलब एक पहलू है कि एक सरकार यदि चुनाव करवावा थी कौनों जनप्रतिनिधि जीता थे तो ओका यदि उचित सम्मानों तक मुहैया न करायावा जाइए तो फिर मतलब का है उनके जनप्रतिनिधि हो के कुंज बिहारी जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है मुख्यमंत्री हुआ वाला है कलों की कुछ कार्यक्रम है कल के कार्यक्रम ये है कि ज्ञापन दे का हम लोग अपने संगठन अगस्त क्रांति मंच की तरफ से और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उद्देश्य रही उससे हट के बात है 65 करोड़ के घोटाला के विकास ढूंढो यात्रा कही कि हमारे संगठन अगस्त क्रांति मंच पुलिंदा दही सी चलिए ओके खेती अपना से अलग से चर्चा हो जाए हम कहे कि या जो मुद्दा है उसे मतलब संगठन अपना के अबे या दरकी शिवराज सिंह चौहान जी के लगे नहीं जाल लगे नहीं जाल लगे शुभ नाम नटवर लाल तिवारी सरपंच ग्राम पंचायत पिपरवार विकासखंड के नहीं हैं सरपंच चलिए तो अपना का समस्या के सामना कह रहे हैं का समाधान चाहिए थी व्यवस्था जैसा कि हमारे जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी के द्वारा मांग की गई है उन्हीं की बातों में सहमत है चलिए तब अपना के द्वारा साफ तौर में यह बात विकास तिवारी जी से सहमति जाहिर की जा लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत राज अधिनियम जो यह व्यवस्था ही उमा सिर्फ और सिर्फ अधिकार की लड़ाई अपना बच्चे लड़ रहे हैं अपना शुभ नाम जी संतोष तिवारी सरपंच ग्राम पंचायत जनपद पंचायत नई गढ़ी अपना का यह समस्या और समाधान के बारे में क्या सोची थी कि मांग सिर्फ कागज़ तक रह जाएगी या फिर ज़मीनों में उतरी है देखिए इनके नेतृत्व में या समस्या के समाधान कराए के लाने हम लोग सबको मिल के और बैठ के ये निर्णय लाने की लड़ाई का है ऐसे हमका पूरा विश्वास है कि इसमें सफलता मिली चलिए निश्चित तौर पर कहा थे ना कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है तो ठीक है संगठन अब नया नवेला है और एमा जो साथी है संगठन के उन सब नए दायित्व के साथ ऊर्जा के साथ आए हैं तब देखा दिलचस्प हुई कि या संगठन के नया स्वरूप का यह विधानसभा चुनाव 2023 माह से पहले अपन मागन का मनवाए पावत है या फिर कुछ दूसरा नज़ारा देखे के मिले तब तक आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम।